ओके, तो यहाँ पर आपको डिवाइस प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिलता है आपकी एंड्रॉयड टीवी में। तो ये क्या होता है, इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चले जाना है अपनी टीवी की, बिल्कुल लास्ट में सेकेंड लास्ट नंबर पर डिवाइस प्रेफरेंसेस मिल जाता है। सबसे पहले अबाउट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपके सिस्टम अपडेट आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा अपडेट आपको आया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट चेक किया था तो मेरा अप टू डेट है सिस्टम मेरा, तो यहाँ से मैं अब आ जाता हूँ बैक। देखिए अगर आपका अपडेट आया होगा तो आप अपडेट कर लीजिएगा। बैक आने के बाद यहाँ पर मुझे डिवाइस नेम दिखता है, तो यहाँ पर वाई सीरीज लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहूँ तो कोई सी भी यहाँ पर नाम चेंज कर सकता हूँ। अपने टीवी को यहाँ से एक बार रीस्टार्ट कर सकते हैं और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आईपी एड्रेस आपके, मैक एड्रेस क्या है, ब्लूटूथ एड्रेस क्या है, और लीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है, एंड मॉडल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और वर्जन क्या है आपकी टीवी का वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कि देखिए मेरा पाए है एंड्रॉयड 9 है, तो देखिए पाए, तो कलर्स भी कुछ ज़्यादा ब्राइट दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, क्योंकि मैंने विविड कलर्स ऑन किया हुआ है। अगर आपको विविड कलर की चाहिए कैसे आप ऑन कर सकते हैं तो वो भी बता दूंगा, और सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के यहाँ पर जो वर्जन है वो भी दिया हुआ है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 2020 जून का है। यहाँ पर बिल्ड नंबर पर अगर आप 7 टाइम टैप करते हैं तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है 7 बार टैप करने से, यार नो आर डेवलपर। तो अब मैं बैक करूँगा तो दिखेगा यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो देखिए ये डेवलपर ऑप्शन मेरा इनेबल हो गया है। डेवलपर ऑप्शन में बहुत से काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हैं, आपको मिल जाता है यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप, कीबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, इनपुट्स हैं आपके HDMI केबल जो भी, पावर का ऑप्शन मिलता है, एंड पिक्चर यहाँ पर आप कलर सेट कर सकते हैं, बैकलाइट, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब सेट कर सकते हैं, साउंड का ऑप्शन मिलता है आपको, स्टोरेज, होम स्क्रीन एंड शॉप मोड, गूगल असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिलता है, क्रोमकास्ट का ऑप्शन है यहाँ पर, स्क्रीन सर्वर और डेवलपर ऑप्शन जैसा मैंने बताया, और लोकेशन का भी ऑप्शन मिलता है, यूजेज एंड डायग्नोस्टिक, सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस, एक्सेसिबिलिटी, एंड यहाँ पर लास्ट में आप रीसेट कर सकते हैं अगर आपके टीवी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।